टोंक में शनिवार को एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गौरवशाली क्षण देखने को मिला। इस दिन राजस्थान के सचिन पायलट ने टोंक जिले में एक शहीद स्मारक का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने वीरांगनाओं को सम्मानित किया और उन्हें धन्यवाद दिया। इस उत्सव के मुख्य अतिथि में शामिल थे पीसीसी के उपाध्यक्ष रामविलास चौधरी, जिला अध्यक्ष हरि प्रसाद बैरवा, नगर परिषद सभापति अली अहमद, कांग्रेस नेता सऊद सईदी, पूर्व विधायक कमल बैरवा, पूर्व सैनिक मुकुट बिहारी और लक्ष्मी नारायण। पायलट ने अपने संबोधन में उज्ज्वलता और गर्व के साथ कहा, हम सब ने मिलकर आज टोंक जिले के टोंक शहर के अंदर एक खूबसूरत शहीद स्मारक बनाया है। मैं अब सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने शहीदों के बलिदान को सराहा और उनके परिवारों का सम्मान दिया। स्मारक के उद्घाटन के दौरान उन्होंने इसकी महत्वपूर्णता पर भाषण दिया और शहीदों की याद में एक महत्वपूर्ण पहल की। उन्होंने कहा, स्मारक का उद्घाटन हमें गर्व की अनुभूति कराता है। उन्होंने फौजी समृद्धि और मनोबल के महत्व को उज्ज्वलता दी, कहते हुए फौजी हमेशा देश की सेवा में तत्पर होता है। उन्होंने सैनिकों के बलिदान को सराहा, उनके परिवारों को धन्यवाद दिया। यह स्मारक एक महत्वपूर्ण पहल है जो शहीदों को समर्पित है और उनकी याद को सजीव रखेगा। इस उत्सव में शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया गया और उन्हें समर्थन की भावना व्यक्त की गई। स्मारक के उद्घाटन में उपस्थित सभी लोगों ने इस महत्वपूर्ण क्षण को साकार किया और उसकी महत्वपूर्णता को समझा। इस स्मारक की यात्रा ने एक नई प्रेरणा और उत्साह का संदेश दिया है। ये संयोग भी है और मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे भी फौज में काम करने का मौका मिला। 2012 में मुझे कमीशन मिला था, तो पिछले 11-12 सालों से प्रादेशिक सेना में मैं काम कर रहा हूं और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि ये मैं तीसरी पीढ़ी है। मेरे दादाजी स्वर्गीय पायलट साहब वो भी फ़ौज में थे, एयरफोर्स में थे, आर्मी में थे। मैं भी आर्मी में काम कर रहा हूं और ये संयोग है कि ये शहीद स्मारक को एक विधायक के नाते और एक सैनिक के नाते मुझे इसका उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरी भावना जुड़ी हुई हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में मैं ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन फ़ौज को समृद्ध रखने के लिए देश में लाखों करोड़ों ऐसे नौजवान हैं, ग्रामीण परिप्रेक्ष्य पर रहते हैं, जिनके परिजन चाहते हैं कि उनके बच्चे और घर वाले फ़ौज में भर्ती हों। लेकिन दुर्भाग्यवश जो योजना लगी है भर्ती की, अग्निवीर, उस पर काफ़ी सवाल उठे हैं और मैं चाहता हूं कि इस पर पुनर्विचार किया जाए, क्योंकि अग्निवीर की जो भर्ती है वो सिर्फ 4 साल की नौकरी बच्चों को देती है और 21-22 साल की उम्र में बच्चा नौजवान रिटायर हो जाता है, तो भविष्य की संभावनाएँ ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए हमने तो कहा और मुझे खुशी है कि कुछ और दलों ने इसका सहयोग, इस बात का समर्थन किया है, तो पुनर्विचार करना चाहिए और अग्निवीर की जगह जो पुरानी भर्ती थी उसको पुनः लागू करना चाहिए।